Assalamu alaikum, students. Today we are going to learn about the life cycle of plant. Okay, now look at this picture. What do you see in this one first? You see that plants start with a seed. प्लांट जो है वो एक सीड से शुरू होता है. ये देखिए द प्लांट द सीड जर्मिनेट्स. जर्मिनेट कहते हैं किसी बीज में से पौधे के निकलने को. द सीड जर्मिनेट्स, बीज में से पौधा ऐसे करके निकलता है. सबसे पहले ये काम होता है. देन व्हाट हैपेंस, द प्लांट ग्रोस. प्लांट बढ़ना शुरू करता है. प्लांट ग्रोस, फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि द प्लांट फ्लावर्स. पौधे के ऊपर फूल आता है. पौधे के ऊपर फूल आता है. उसके बाद क्या होता है? द फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट. द फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट. जो फ्लावर है उसके ऊपर फल आ जाता है. तो फ्लावर जो होता है वो फल में चेंज हो जाता है या उसमें से फल निकलता है. उसके बाद क्या होता है? द फ्रूट रिलीज सीड. जो फ्रूट होता है उसमें से सीड निकलते हैं. फ्रूट में से सीड निकलते हैं. फिर क्या होता है? फिर ये होता है द प्लांट डाइज. प्लांट मर जाता है. और जो सीड उसके होते हैं उनको हम लगा के दोबारा से पौधा बन जाता है. इसको कहते हैं द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. ठीक है जी, अब आपको ये स्टेप याद हो गए. चलिए एक बहुत ही हमारा कॉमन प्लांट होता है जो चीज हम खाते हैं, टमाटर, उसका लाइफ साइकिल देखते हैं. आप जब एक टमाटर को काटेंगे तो उसके अंदर आपको बीज नजर आएंगे, उसके सीड्स नजर आएंगे. टमाटर का पौधा उन्हीं सीड्स से बनता है. जब आप उनको लगाएंगे तो उसमें से टमाटर का, उन पौधों में, उन बीज में से टमाटर का पौधा निकल आएगा. जब वो बड़ा हो जाएगा टमाटर का पौधा, तो वो मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर प्लांट हो जाएगा. फिर उस टमाटर के पौधे में फ्लावर्स आ जाएंगे, फ्लावर्स. और फिर वो फ्लावर्स जो है वो टमाटर में चेंज हो जाएंगे. ठीक है, अब आपने ये करना है कि बाहर जाना है, मुख्तलिफ ट्रीज को, प्लांट्स को, छोटे छोटे पौधों को, जड़ी बूटियों को देखना है और गौर करना है कि सीड किसके हैं, सीड कहाँ पड़े हुए हैं मुख्तलिफ पौधों के निकल के. वैसे आप सीड अपने किचन में भी ढूंढ सकते हैं. आपकी अम्मी को भी पता होगा, आपके अब्बू को भी पता होगा कि सीड कहाँ पड़े हुए हैं आपके किचन में. हम बहुत से सीड्स खाते हैं. आप अपनी अम्मी से पूछें कि कौन से सीड है जो हम खाते हैं, तो वो सीड हो गए. आपने उसकी पिक्चर बनानी है या कॉपी में उसको लगाना है, टेप के साथ या किसी भी चीज से उसको कॉपी में लगाना है. फिर आपने बाहर जाके देखना है कि कौन से छोटे से पौधे हैं जो अभी अभी जमीन में से निकले हैं, उस बीज में से निकल के अभी जमीन से बाहर आ रहे हैं. उनकी तस्वीर लगानी है. फिर पूरा मुकम्मल कोई भी पौधा या दरख्त उसका पत्ता लगाना है अपनी कॉपी में. ठीक है, उसके बाद आपने फ्लावर्स जमा करने हैं, प्लांट्स के फ्लावर्स जमा करने हैं. वो फ्लावर्स आपने अपनी कॉपी में लगाने हैं. और फिर कुछ पौधे ढूंढने हैं ऐसे जिनके ऊपर फ्रूट आया हो. ये बेरीज, ये छोटे छोटे से बास पौधों के ऊपर सख्त से छोटी छोटी सी गोलियाँ सी आ जाती हैं, ये सब उन प्लांट्स के फ्रूट्स होते हैं.
फिर आपने या तो उनको तोड़ के कॉपी में लगाना है या फिर उनकी तस्वीर बनानी है। तो ये आपने पूरा प्रोजेक्ट है जो आपने करना है, इसके लिए आपको बाहर जाना होगा, लाइक अ साइंटिस्ट सोचना होगा, बहुत से पौधों को देखना होगा और ये प्रोजेक्ट आपको करना है। बड़ा मजे का प्रोजेक्ट है, याद से कीजिएगा क्योंकि इससे आप सोचेंगे लाइक अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट वो जो दुनिया में नई नई चीजें बनाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।